Assalamu alaikum, dear students. I am Tanveer Safdar. Today we are going to start our lesson number 2, class 9. Chapter name is Patriotism. Patriotism ka matlab hota hai hubul watni. Hubul watni se murad watan se mohabbat hai. Is chapter mein hum dekhenge ki sabse pehle question hai ki in your opinion who is a patriot? कि आपकी राय में मुहब्बुल वतन कौन होता है? तो वो तमाम इंसान जो कि अपने वतन की फलाह के लिए काम करते हैं, और ख़ास करके वो लोग जो कि वतन की हिफाजत के लिए अपनी जान तक भी कुर्बान कर देते हैं, उनको सबसे बड़ा मुहिब वतन कहा जाता है। किसी मुल्क के कानून, असूल, रिवाज, उनकी अगर आप सही तरीके से पैरवी करें तो भी आप अपने मुल्क के एक हुब्बुल वतन शहरी या मुहब्बुल वतन शहरी जो हैं वो कहलाएंगे। कैन यू गिव एन एग्जांपल ऑफ पेट्रियटिज्म? क्या आप हुब्बुल वतन की कोई मिसाल दे सकते हैं? हमारे पास बहुत सी मिसालें हैं, बहुत से शहदा हैं निशान हैदर जिन्हें मिले। कैप्टन कर्नल शेर खान का नाम है जो कि रिसेंट उसमें हिस्ट्री में जो है वो एक बहुत अहम नाम माना जाता है, जिन्होंने अपनी ज़िंदगी कुर्बान की वतन की हिफाजत के लिए। इसी तरह बहुत से ऐसे वाक़यात हैं जहाँ पे आम शहरियों ने अपनी ज़िंदगी देकर सैकड़ों लोगों की जानें बचाईं। तो ये सब जो हैं ये पेट्रियटिज़म की मिसालें हैं। आपको वो बच्चा याद होगा जिसने अपने स्कूल के बाहर एक खुदकुश धमाका करने वाले को दबोच लिया था और शहादत का रुतबा पाया था, लेकिन उसकी शहादत से स्कूल में मौजूद तमाम बच्चे और उसाज़ा कराम जो हैं उनकी ज़िंदगियां बच गई थी। वट क्वालिटीज़ डू पेट्रियट्स हैव? मुहिबुल वतन किन खूबियों के हामिल होते हैं? मुहिबुल वतन में सबसे ज़्यादा जो है वो वतन की कुर्बानी का जज्बा जो है वो बहुत ज़्यादा होता है। इसी तरह मैं जैसे मैंने पहले कहा कि आप अगर अपने मुल्क के कवानीन की पासदारी करते हैं तो भी आप जो है वो अच्छे शहरी हैं, क्योंकि अगर आप कवानीन को फॉलो नहीं करेंगे, सिर्फ अगर हम कवानीन की वायलेशंस करेंगे तो उससे हमारा अपना और मुल्क का भी नुकसान होता है। सिर्फ़ एक एग्ज़ाम्पल दे रहा हूँ कि आप अगर मोटरवे पर सफ़र कर रहे हैं और एक आम रोड पर सफ़र कर रहे हैं तो उससे आप जो है वो डिसिप्लिन से अंदाज़ा कर सकते हैं कि हम वहाँ पर कवानीन की पैरवी बहुत अच्छे तरीके से करते हैं। एक रीज़न उसकी ये भी है कि मोटरवे पर जो है वो रूल्स एंड रेगुलेशंस काफ़ी सख्त हैं, भारी जुर्माने होते हैं, तो लोग जो है वो उसको चाहे उन जुर्मानों के डर से या एक बहुत हद तक बहुत से लोगों की अब ये आदत डेवलप हो चुकी है, ख़ास करके वो लोग जो मोटरवे पर सफ़र कर रहे होते हैं वो आम तौर पर जो लोकल रोड्स हैं उन पर भी वो उन तमाम कवानीन की पाबंदी करते हैं क्योंकि वो उन चीज़ों के आदि हो चुके होते हैं। अब हम अपना लेसन स्टार्ट करते हैं। पेट्रियटिज़म मीन्स लव फॉर द मदरलैंड और डिवोशन टू वंस कंट्री। हुब्बुल वतनी का मतलब है वतन से प्यार या अपने मुल्क से बहलाना लगाओ। पेट्रियटिज़म, हुब्बुल वतनी, मदरलैंड, वतन, डिवोशन, वालहाना लगाओ। ए पेट्रियट लव्स हिज कंट्री एंड इज़ विलिंग टू सेक्रीफाइस व्हेन द नीड राइजेस। एक हुब्बुल वतन जो है उसको अपने वतन से बहुत ज़्यादा प्यार होता है और ज़रूरत पड़ने पर वो कुर्बानी देने के लिए तैयार होता है। विलिंग, तैयार होना, सेक्रीफाइस कुर्बान करना, द नीड राइजेस ज़रूरत पड़ना। द वर्ड पेट्रियट कम्स फ्रॉम द लैटिन वर्ड पेट्रियोटा विच मीन्स कंट्रीमैन। लव्स पेट्रियट या मुहिब्बुल वतन लातिनी लव्स पेट्रियोटा से माखिज़ है,
या इसका ओरिजिन जो है ये वहाँ से है, और इसका मतलब किसी मुल्क का बाशिंदा है, कंट्री मैन, हम वतन या मुल्क का बाशिंदा। इट इज़ कंसिडर्ड अ कमेंडेबल क्वालिटी, इसे एक काबिल तहसीन खूबी समझा जाता है, कमेंडेबल, काबिल तहसीन। इंग्लिश में जो है वो बहुत ज़्यादा अल्फाज जो हैं उसमें लैटिन, ग्रीक, जर्मन, फ्रेंच, इस तरह के भी अल्फाज मौजूद हैं, तो उनको थोड़ा सा चेंज करके, उसमें सर्टन तब्दीलियाँ करके उनको जो है वो इंग्लिश में यूज़ किया जाता है। अब जैसे पेट्रियाट लफ्ज़ है, ये बेसिकली जो है वो लातीनी ज़बान का लफ्ज़ है, पेट्रियाटा जो है वहाँ से इसको जो है इंग्लिश में जब यह आया तो इसको पेट्रियाट का नाम दिया गया। पेट्रियटिज़म गिव्स पीपल द स्ट्रेंथ एंड करेज to safeguard the interest of the country and nation. हुबुल वतनी लोगों को मुल्क कौम के मफाद की हिफाजत करने के लिए कुव्वत और हौसला देती है, स्ट्रेंथ ताकत, करेज हौसला, सेफगार्ड हिफाजत करना। फॉर अ पेट्रियाट द सॉवरेनिटी, इंटेग्रिटी एंड ऑनर ऑफ द कंट्री आर सुप्रीम values on which no compromise can be made. For a patriot, the sovereignty, integrity and honor of the country are supreme values on which no compromise can be made. ek muhib vatan ke liye mulk ki khud mukhtari, wahdat aur waqar ahem tareen aqdar hain jin par koi samjhota nahi ho sakta. sovereignty, khud mukhtari, integrity, wahdat, unity, honor, waqar, सुप्रीम, अहम, वैल्यूज़, अकदार, कंप्रोमाइज़, समझौता। पेट्रियट्स रेंडर सेक्रीफाइस फॉर द प्रिजर्वेशन एंड प्रोटेक्शन ऑफ दीज वैल्यूज़, मुहिब वतन इन अकदार की हिफाजत और तहफ़ के लिए कुर्बानी देते हैं। अब यहाँ पे हम ये देखते हैं कि जो पेट्रियट की जो खूबियाँ हैं वो इस पैराग्राफ में बड़े वाज तरीके से बयान की गई हैं, और वो खूबियाँ क्या हैं कि वो मुल्क की खुद मुख्तारी, वहदत और वक़ार जो हैं उनके लिए अहम तरीन अकदार हैं। अब यहाँ पे अगर हम ये देखें, हमारे पास जो है बहुत सी ऐसी एग्ज़ाम्पल्स भी हैं। अब अगर इस पैमाने पर हम एक क्रिकेट का जो है इंग्लैंड टेस्ट को अगर हम कंसीडर करें, जहाँ पर आमिर, सलमान बट और मोहम्मद आसिफ ने जो है वो सट्टाबाजी की थी या जुआ खेला था और वो उस पर पकड़े गए थे और उनको सज़ा भी हुई थी, तो उसमें आप ये देखें कि वो उन लोगों ने मुल्क की जो है सबसे जो अहम चीज़ वक़ार होता है, मुल्क का जो एहतराम है और जो उसके इकदार हैं उनको उन्होंने पामाल किया। तो ये भी एक हिसाब से इस तरह की हरकत जो है वो गद्दारी के ज़मरे में आती है कि आप अपने वतन की बदनामी का बायस बन रहे हैं, आप उसकी नेकनामी का बायस नहीं बन रहे। सो पेट्रियट जो है वो हमेशा अपने वतन की बेहतरी और उसके ऊंचे नाम के लिए जो है वो काम करता है। कायद अजम मोहम्मद अली जिना वॉज अ नेशन बिल्डर एंड अ ग्रेट पेट्रियट। कायद अजम मोहम्मद अली जिना मामारे कौम और एक अजीम मुहिब वतन थे, नेशन बिल्डर, मामारे कौम, he wanted to protect the values, culture and traditions of the muslims of the subcontinent. aap barasagir ke musalmanon ki iqtidar, saqafat aur riwayat ki hifazat karna chahte the. protect, hifazat karna, values, iqtidar, culture, saqafat, traditions, riwayat, subcontinent barasagir pakistan ko kehte hain. he gave the muslims a sense of identity by securing a separate homeland for them. मुसलमानों के लिए एक अलग वतन हासिल करके आपने इन्हें शिनाख्त का एहसास दिया, आइडेंटिटी, शिनाख्त, सिक्योरिंग हासिल करना, सेपरेट होमलैंड, अलहदा वतन। ही सेड, वी मस्ट डेवलप अ सेंस ऑफ पेट्रियटिज्म विच गर्वनाइजेज अस ऑल इनटू वन यूनाइटेड एंड स्ट्रॉन्ग नेशन। हमें हुबुल वतनी का एक एहसास परवान चढ़ाना चाहिए जो हम तमाम को मुत्तहिद और ताकतवर कौम बनने के लिए मुतहरिक कर दें। डिवेलप, परवान चढ़ाना, गैल्वनाइज़ेस, मुतहरिक कर देना, यूनाइटेड, मुतहिद, स्ट्रॉन्ग नेशन, मजबूत कौम।
قائد اعظم کو اگر ہم یہ دیکھیں تو ہماری ہسٹری میں پاکستان کے حساب سے وہ سب سے عظیم پیٹریوٹ جو ہیں وہ ہیں کہ جنہوں نے 200 سالہ جو ہے وہ غلامی سے مسلمانوں کو نجات دلائی اور ان کے لیے ایک علیحدہ وطن بنانے میں کامیاب ہوئے۔ آج اگر آپ لوگ انڈیا میں یا بہت سے دوسرے ایسے ممالک جہاں پر مسلمان انتہائی بری حالت میں رہ رہے ہیں ان کو دیکھیں تو ہم قائد اعظم کا احسان جو ہے وہ کبھی بھی بھول نہیں سکتے۔